कांग्रेस की एक और लिस्ट हुई जारी। इन प्रत्याशियों के नामों का हुआ ऐलान, मची अफरा तफरी। आपको बता दें, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर दिल्ली में आज यानी कि बुधवार को सीडब्ल्यूसीयू की बैठक होनी है, लेकिन इससे पहले ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस की एक नई लिस्ट जारी हो गई है। इस लिस्ट में महज 3 नाम है। छिंदवाड़ा जिले की 3 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है। बता दें, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के बेटे और सांसद नकुल नाथ के द्वारा इन 3 नामों को घोषित किया गया है। नकुल नाथ ने एक आम सभा के दौरान खुले मंच से छिंदवाड़ा की 3 और सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है, जिसे लेकर भाजपा कांग्रेस पर एक बार फिर से चुटकी ली है। आपको बता दें कि दिल्ली में बुधवार को होने वाले सीडब्ल्यूसी की बैठक से ठीक एक दिन पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस के 3 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। ये 3 प्रत्याशी छिंदवाड़ा जिले के हैं, जिनके नामों की घोषणा नकुल नाथ ने एक सभा के दौरान खुले मंच से की है। आपको बता दें कि नकुल नाथ ने पांढुर्णा से नीलेश उइके, अमरवाड़ा से कमलेश शाह और पथरिया सीट से सोहन बाल्मीकि के नामों का ऐलान किया है। इसी के साथ सीडब्ल्यूसी की बैठक से पहले नकुलनाथ ने द्वारा 3 कांग्रेस प्रत्याशियों के नामों के ऐलान को लेकर भाजपा ने कांग्रेस पर भी चिटकी ली है। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे पर, कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर।